नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18, फिर डॉट डॉट। इसमें बताना है हमें इसका कौन सा पद 78 है, यानी कि जो हमारा 78 आएगा यहाँ पर वो किस नंबर पर आएगा। ठीक, इसी तरीके से पद होंगे कहीं पर, यहाँ पर 78 आ जाएगा तो कौन से नंबर पर आएगा, यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है कि श्रेणी में किस नंबर पर आएगा, जिससे पहले नंबर पर आया है, ये दूसरे पर आया है, तीसरे पर आया है। तो इसी तरीके से जो 78 है वो किस नंबर पर पड़ेगा ये हमें बताना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है n का मान। ठीक, तो पहला पद आप लोग देख ही रहे हैं क्या दिया गया, पहला पद दिया है 3, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक, उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, सारणुपात। सारणुपात कैसे निकाला जाता है, अगले वाले पद को पिछले पद से हम घटा देते हैं, या तो इसको इससे माइनस कर दो, या तो इसको इससे माइनस कर दो, या तो इसको इससे माइनस कर दो, हर जगह जो सारांतर आता है वो समान ही आएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डी सारांतर, यहां पर हम 8 से 3 घटाए थे, कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया 78 पद आ रहा है, तो ये किस नंबर पर आ रहा है हमें नहीं पता, तो हमने माना इसका एनवा पद कितना है 78। ठीक है, और एन का मान हमें निकालना है। ठीक, तो अगर हम समांतर श्रेणी का इसमें एनवा पद का सूत्र रखकर इसका मान रख दें तो आसानी से इनका मान निकल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र होता है, एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखिए मान रख लेंगे ए एन का मान तो हमें 78 दिया गया है, लेकिन एन के किस नंबर पर आएगा हमें बताना है। तो ए का मान देखिए 3 दिया है और एन का मान हमें नहीं पता है, डी का मान हमें दिया गया है 5। ठीक, अब देखिए 78, 3 को इधर भेज दें तो माइनस के 3 हो जाएंगे, यहां बचेंगे एन माइनस वन इंटू 5। 78 से 3 जाएंगे हो जाएंगे 75, एन माइनस वन गुणे 5, तो 5 को इधर भेज देंगे तो यहां पर हो जाएगा 75/5 और यहां हो जाएगा एन माइनस वन, काट दें 5 से, 5 एकम 5 पचम 25, यहां से हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन बराबर 15, और अगर हम n इधर एक उधर भेज दें बराबर के तो हो जाएगा n बराबर 15+1, यानी कि n का मान यहां से निकल कर आ गया n बराबर 16। कितना आ गया n का मान 16, यानी कि जो हमारी ये समांतर श्रेणी दी गई थी इसका जो 78 नंबर पर पद है ये किस नंबर पर आएगा, 16 नंबर पर आएगा, यानी कि इसका जो 16वां पद है A16 वो कितना होगा 78। ठीक है, इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा है n बराबर 16। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम रह जाती है इसमें तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।